हेलो भाई साहब, नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार जी प्रदीप जी, और क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, आपका वेलकम भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू। और कोरा वोरा ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा? नहीं जी, ज़्यादा तो नहीं, सही है इस बार तो। सही है? हाँ जी, हाँ जी। जैसा पंजाब में पड़ता वैसा नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा, अभी 2 महीने रुक कर पड़ेगा। रुक के पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले सर एक बार अपना नाम बताएं और फार्म का क्या नाम है अपने का? फार्म का नाम प्रदीप जी बाबा फ्री स्टड फार्म। बाबा फ्री स्टड फार्म वांदर प्लस ठठी भाई। और जिला कौन सा लगता है? जिला मोगा, डिस्ट्रिक्ट मोगा है। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तेज सिंह जी। तेज सिंह? हाँ जी, हाँ जी। तो सर अभी मंडी में एक घोड़ा लेके आए हुए हैं या और भी कुछ लेके आए हुए हैं? प्रदीप भाई एक तो ये घोड़ा लेके आए हैं जिसका नाम सूरज है। सूरज? हाँ जी। और 5-6 घोड़ी लेके आए हैं। 5-6 घोड़ियाँ? हाँ जी, हाँ। तो घोड़ा दिखाने के लिए लाए होंगे और घोड़ियाँ सेल के साथ? हाँ जी, घोड़ियाँ सेल के लिए। तो अगर हम सर बात करें सूरज की, तो सूरज का बाप कौन है? सूरज का बाप है जी महाराणा डोड़। महाराणा डोड़? हाँ जी, हाँ जी। और डोड़ का बाप कौन था? दिलशेर काकी जी। दिलशेर काकी? हाँ जी। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा घोड़ा था। हाँ जी। और उसकी कमी अभी और कोई घोड़ा पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत बुरा हुआ भाई साहब सुनकर, है ना, कि दिलशेर काकी नहीं रहा। बिल्कुल। हाँ, अभी मेरे को लगता है 7-8 दिन ही हुए। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि उसके जो घोड़े के रिजल्ट है मेरे को लगता है एक से एक बेहतरीन रिजल्ट उस घोड़े ने दिए हैं। ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो इसकी उम्र क्या हो गई है भाई साहब? अभी 3 साल है भाई साहब। 3 साल का हो गया? हाँ जी, हाँ जी। और हाइट में कितना होगा? हाइट की इसकी 66 है ये। 66 है? हाँ जी, हाँ जी। तो अपन ने, आपने कहीं से खरीदा था या आपके घर की होम ब्रीड है ये? नहीं, खरीदा था भाई साहब, 7 महीने का था। 7 महीने का था? हाँ जी, हाँ जी। तो कहाँ से लिया था आपने ये? एक कोटबाई बाबा जग्गा मंता जी उन्होंने डेरे का जन्म है। ओके। हाँ जी। तो अभी अगर बात करें इसकी कवरिंग फीस की, तो क्या रख रखी है इसकी कवरिंग फीस? 21,000 है जी। 21,000 रुपये? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी क्या घोड़ियाँ मेट करा दी आपने इससे? अभी इससे होगी घोड़ी 60-65 घोड़ी मेट होगी। 60-65? हाँ। और 20-25 घोड़ी इसकी सूख गई, बच्चे बहुत अच्छे आए। बच्चे आए हैं? हाँ जी। तो इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपने अभी लगा भी रखे हैं सामने, हाँ जी, तो किस तरीके के रिजल्ट इसके आ रहे हैं मार्केट में? रिजल्ट प्रदीप भाई ये दलसेर की सेम कापी भी बहुत बच्चे इसके, और महाराणा के ऊपर भी, और आपके जैसे भी देता है। बिल्कुल। 3 प्रकार के बच्चे देता है। तो अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं वैसे मार्केट में बात करें तो? इसके आगे 12-13 बच्चे आ गए भाई साहब। 12-13 बच्चे? हाँ जी। तो आपने पास में भी घर पे भी कोई बच्चा है या मार्केट में लेके आए हो कि कोई बच्चा भी आया? नहीं, घर पे हमारे पास 2 बच्चे है जी। अच्छा, 2 बच्चे हाँ हैं जी। हाँ जी। तो वो कितने कितने उम्र के होंगे बच्चे? एक तो 2 महीने का जी। हाँ। एक हैगा 5-6 महीने का। 5-6 महीने का? हाँ जी। तो आपको घोड़ा रखते हुए कितना टाइम हो गया वैसे? हमें भाई साहब हो गए 30-35 साल हो गए। 30-35 साल? हाँ जी। तो तरन तारण मंडी जैसे कि नई लगी है और पहली बार लगी है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, किस लेवल की लगी है या बहुत अच्छी लगी है? मंडी तो अच्छी है भाई साहब। एक जगह बहुत अच्छी है इसकी। जगह बहुत, हाँ मैं जगह, मेरे को लगता है बहुत खुली खुली जगह है। बहुत ज़्यादा, एक आने वाले को सेफ है, मेन रोड पर पड़ती है। मेन रोड पर? हाँ। आपके यहाँ से मोगा से और कितना पड़ जाता है ये मंडी? ये मोगा से पड़ जाता है 120 किलोमीटर जी। मेरे को लगता है आपके यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एक सड़क पे आने के बाद में एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं आता शायद। रोड बहुत अच्छा है। रोड अच्छा है? हाँ, ना जी। बिल्कुल। बाकी मंडी में क्या माहौल है लोगों का? मंडी में अच्छा चल रहा है, प्रदर्शनी घोड़े भी अच्छे आए हैं और सेल परचेज का काम भी अच्छा हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इस घोड़े पे राइडिंग की या चाल की, तो राइडिंग करते हो या नहीं करते, या चाल में है या नहीं है घोड़ा? राइडिंग करते हैं इसके ऊपर जी, चाल बहुत अच्छी है। चाल बहुत अच्छी जब है। इसको मंडी में घुमाते हैं ना तो बहुत अच्छा तुरता है। मेरे को लगता है जब मंडी में घुमाते हो तो सारे आदमियों की नज़र इसी पे टिक जाती है। बिल्कुल 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 भाई साहब, ऐसे ना इसकी खानदान बहुत अच्छा है। दलसेर का कि इसका दादा हो गया और इसका पिता हो गया महाराणा डोड। तो आपने इसको चाल की ट्रेनिंग दी है कि अपने आप ही कुदरती ऐसे ही चलता है? एक तो कुदरत भी है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग दी हुई है घर पर। ट्रेनिंग दी है? हाँ जी। आपने खुद नहीं दिए क्या? हाँ जी, खुद नहीं। बिल्कुल। बाकी फीस क्या बता रहे हो आप इसकी? 21,000 भाई। 21,000 रुपये? हाँ जी। तो मंडी में कोई घोड़ी वगैरह मेट कराई इससे? नहीं, मंडी में नहीं कराई जी। मंडी में नहीं कराई? हाँ जी, घर पे ही है। घर पे ही। तो और किसी मंडी में भी लेके गए हो क्या आज से पहले आप इस घोड़े को? एक बार माघी पर गया जी, यानी कि मुक्सर में। मुक्सर ते दूसरी बार जहाँ पर आया बस। तो इस बार दोबारा मुक्सर लगने को है, तो लेके जाने का? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है भाई साहब, पूरी पूरी तैयारी है। हाँ जी। बाकी घोड़े का नाम क्या बताया? सूरज। सूरज। तो क्या है अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? 98725
94678। बिल्कुल, तो अभी कवरिंग के लिए चालू है घोड़ा? हाँ जी हाँ जी, एक नंबर और है 75278 13613। ओके, जो पोस्टर पर नंबर लिखे हुए अपने ही हैं? हाँ जी हैं, दोनों नंबर अपने हैं। बिल्कुल जी, एक एक तो हमारा, एक हमारा भाई है काला सिंह किंगरा। ओके, इसका अभी घोड़े को संभालने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ जाती है? घोड़े को वैसे ज़्यादा तंग नहीं करता, दो आदमी बस बहुत ज़्यादा है। पर आपका क्या मेन सड़क पर ही है, तो मेरे को लगता है घोड़ी जैसी गुजरती होगी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता होगा घोड़ा। वो तो आना ही है जी, घोड़ा है वो तो आएगा, फिर तो पकड़ के रखना पड़ता होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो रखना पड़ता है। चलो चलो भाई, ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई साहब।